सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ऋतु का नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बारिश काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है और अब हल्की सी ही, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मौसम और बचा हुआ है और इस समय जो है धूप भी काफ़ी निकलने लग गई है। तो जब धूप बहुत निकलती है और जब वातावरण में नमी रहती है तो उस दौरान जो है फंगस का अटैक जो है बहुत तेज़ी से होता है। आप देख रहे होंगे मेरे सामने ये मुसंडा का प्लांट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक है और इसकी पत्तियों पर भी है, इसकी सेपल्स पर भी है। तो फंगस का अटैक जो है, क्योंकि हवा में फंगस जो है वो हमेशा ही रहती है, जैसे ही उसको उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो अपना अटैक चालू कर देता है। इसमें होता यह है कि फंगस जो है वो सीधे पत्तियों पे आता है और कई बार मिट्टी में भी वो उपलब्ध रहता ही है मिट्टी में, कई बार नहीं मिट्टी में भी उपलब्ध रहता है। और जैसे ही उसका कंडीशन आता है बढ़ने का तो वो रूट्स पे भी अटैक करता है, तो उसमें कई बार जो है हमारे प्लांट्स अचानक से मुरझा जाते हैं और अचानक से वो मर जाते हैं। तो और हमें समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों हुआ ऐसा। जब आप दूसरे पौधों को देखेंगे, गुलाब वगैरह की, तो उनकी ऊपर की पत्तियों में कई बार आपको दिखेगा कि ऊपर जो है बीच बीच में छेद जैसे हैं, या कहना चाहिए जैसे जल सी गई हैं, कुछ मुड़ गई हैं। उसका कारण ये रहता है कि फंगस जब किसी भी पत्ती पे अटैक करता है तो वो ऊपर से जो है जब अपनी जड़ फैलाता है तो उतने जगह के सेल्स जो है वो उसको खा लेता है, जिसकी वजह से हमें कई बार ऐसा लगता है कि धूप की वजह से हमारे पौधे की पत्तियां जो हैं वो जल गई हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। और इसका प्रभाव जो है आपको तो पौधों की टहनियों पे भी देखने को मिलेगा और कलियों पे और फूलों पे भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में सबसे पहले जो हमें काम करना है वो ये करना है कि यदि किसी भी आपके पौधे में किसी भी जगह पे जो फंगस का अटैक है, पहले आप उसे काट के अलग कर दें और सबसे पहले जड़ों में आप एंटी फंगल पाउडर डालें। कई बार आपने देखा होगा ये डाई बैक एक बीमारी होती है, वो भी फंगस से होती है कि हम जिस टहनी को कट करते हैं वो ऊपर से सूखती हुई जो है वो धीरे धीरे फिर प्लांट को ख़त्म कर देती है। जब हम जड़ों में एंटी फंगल पाउडर घोल के डालते हैं तो उससे होता ये है कि जड़ों के माध्यम से वो पहले तो जड़ में जितने फंगस होते हैं, अटैक होता है, पहले उसको ख़त्म करता है, मिट्टी में जो फंगस का अटैक है उसको ख़त्म करता है और उसके बाद में जड़ों के माध्यम से वो पौधे की टहनी में, पत्तियों में और कलियों में पहुंचता है। तो वो एक तरीके का रेजिस्टेंट डेवलप कर देता है, जिससे जब ऊपरी या बाहरी तौर पे फंगस का अटैक होता है हवा के माध्यम से पत्तियों पे, तो उसका असर कम होता है। जब आप जड़ों में अप्लाई करें उसके साथ साथ फॉलियर स्प्रे भी करें तो जितनी भी जो मुड़ी हुई पत्तियां हैं या आपकी ऐसा लगता है कि जल गई हैं पत्तियां, या समय समय पे आप देखते होंगे कि आप जितने भी खाद वगैरह डाल लें वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है। उसका कारण यही है कि जब फंगस का अटैक ऊपरी तौर पे और जड़ों से होता है तो हमारा पौधा जो है वो धीरे धीरे मृत प्राय हो जाता है और वो कोई फ्लावरिंग नहीं करता, और जब उसमें कलियाँ भी आती हैं तो वो जली टाइप की आती हैं। मैंने अपने बीच में बारिश के मौसम में अपने कई पौधों पे इसका इस्तेमाल किया एंटी फंगल पाउडर का, परंतु बारिश इतनी थी कि उसका प्रभाव जो है वो पौधों पे कम हो पाए। फिर भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो फंगस के अटैक से थोड़े से बच गए हैं, बाकी मैंने सबकी जड़ों में अप्लाई किया है। एक दो प्लांट की पत्तियों में भी आपको शायद देखने को मिलेगा, ये सारी पत्तियाँ जो है ये सारी फंगस अटैक से जूझ रही हैं इस समय। तो सबसे पहले तो आप जड़ों में डालिए, उसका प्रमाण यह है कि 1 लीटर पानी में आप 1 बड़ा चम्मच घोल के उसको जड़ों में भी डालिए और साथ ही फोलियर स्प्रे भी कीजिए। जड़ में जब आप डालेंगे तो आपको महीने में एक बार डालना है, और फोलियर स्प्रे जब आप करेंगे, फोलियर स्प्रे का मतलब होता है पत्तियों पे, तो आप कम से कम हर सप्ताह करें, और ऐसा कम से कम आप 5 से 6 बार जब आप करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो
पूरी तरीके से फंगस के अगेंस्ट, अटैक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा और आपके एफर्ट्स जो हैं वो बेकार नहीं जाएंगे। तो बारिश में क्योंकि फंगस जो है वो हमेशा ही अटैक करते रहते बारिश के मौसम में, लेकिन बारिश की वजह से हमारे पौधों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, पर कई बार जब पौधों में ठहराव होता है पानी का तो हमारे पौधे मर जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपके पौधे में यदि किसी भी प्रकार का अटैक आपको दिख रहा है तो सबसे पहले जड़ों में आप जो है थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर स्प्रे कर दीजिए। अब मैंने आपको बताया है कि आप घर पे भी एंटी फंगल पाउडर बना सकते हैं दालचीनी का, जो बहुत ही सस्ता और सुलभ होता है, और यदि आप बाज़ार से लाना चाहें तो आप बाज़ार से भी लाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो घर पे बताया है मैंने उसका भी आप उस वीडियो में देख लीजिए लिंक पे, तो उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप बनाएं, तो उसको आप वॉच करके वैसा बना के और अपने पौधे पे रेगुलर बेसिस पे डाल सकते हैं, और यदि आप बाज़ार से भी लाना चाहें तो बाज़ार से भी ला सकते हैं और अपने पौधों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो मेरे अगले नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।